सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपके पास इन्फिनिक्स का कोई भी 5G डिवाइस है, यदि उसमें आपको 5G नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं और जियो ट्रू वेलकम ऑफर को कैसे अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं। यदि आपके एरिया में ट्रूली 5G नेटवर्क है और आपके डिवाइस में तभी भी 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो उसे आप कैसे फिक्स करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ डिटेल द्वारा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि आपके पास जियो का सिम तो आप सिंपली अपने माई जियो एप्लीकेशन में जाइएगा और वेलकम ऑफर का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप हैंडसेट सेटिंग का जो एरर देखने को मिला है उसे आप कैसे फिक्स करेंगे मैं आपको लाइव प्रूफ बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इस प्रकार से वेरीफाई होगा आपका डिवाइस, आपका यहाँ पे बैंड वेरीफाई हो जाएगा 5G बैंड, और इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका डिवाइस से पूछेगा कि आपका डिवाइस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के वर्जन पर अपडेट अवेलेबल है कि नहीं है, यानी लेटेस्ट जो OTA अपडेट देखने को मिलता है। तो यदि आपके डिवाइस में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट अपडेट कर चुके हैं तो आप अपडेट के ऑप्शन पर एक बार जाइएगा और यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका डिवाइस में कोई और तो अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है लेटेस्ट वर्जन का। तो देखिए मेरे डिवाइस में 100% अपडेट हो चुका है तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो फिर से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे और यहाँ पे देख रहे होंगे फिर वही ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आई हैव अपडेट, इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर वर्जन तो वेरीफाई हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे हैंडसेट सेटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है सभी डिवाइसों में इन्फिनिक्स के। तो यहाँ पे गो टू सेटिंग पे आप क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले गो टू सेटिंग पे क्लिक करने से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम क्यों फिक्स नहीं हो रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि सभी डिवाइसों में जो सिस्टम वर्जन का अपडेट पूछ रहा है तो कई डिवाइसों में लोग तो सॉफ्टवेयर अपडेट तो कर ले रहे हैं लेकिन आपके डिवाइस में एक और ऑप्शन मिलता है जिसको अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यदि आपके एरिया में 5G नेटवर्क है तो आपको 100% इससे अपडेट के बाद देखने को 5G नेटवर्क मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके डिवाइस में एक सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा यदि आपके पास इन्फिनिक्स की डिवाइस है। तो आप नीचे स्लाइड करते हुए आएंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आप सिंपली यहाँ से जाइएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ भी एक अपडेट करना है जो कि कोई भी यूजर इस अपडेट को नहीं कर रहा है और सिंपली जाकर वहाँ देख रहा है कि एंटर सेटिंग एरर आ रहा है। यहाँ पे देख रहा होंगे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट देखने को मिलता है तो आप देख रहे होंगे ये अपडेट आपके डिवाइस में अवेलेबल है लेकिन आप इस अपडेट को नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके डिवाइस में हैंडसेट 5G नेटवर्क से इशू आ रहा है। तो सबसे पहले यदि इस अपडेट को आप नहीं किए हैं तो इस भी अपडेट को आप कर लीजिएगा, सिस्टम अपडेट को भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट कर लीजिएगा और इसको करने के बाद यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिस्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ माई जियो ऐप में एक बार फिर से जाइएगा आप। माई जियो ऐप में जाने के बाद पुनः आप वहाँ पे जाइएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा होंगे यहाँ पे गो टू सेटिंग पे जाइएगा। गो टू सेटिंग पे जाने के बाद पहले कुछ सेटिंग कर लेना है, इसके बाद मैं बताऊँगा कि रिस्टार्ट कब करना है। इसके बाद यहाँ पे आइएगा, जिस भी आपका सिम वन हो या सिम टू हो, जिसमें भी आप जियो में 5G चलाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा। उस सिम पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली नीचे आइएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके डिवाइस में सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क टाइप देखने को मिलेगा यानी प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप देखने को मिलेगा, इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपने डिवाइस में, मैं बता दे रहा हूँ, 2G 4G 5G का जो ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को मिलता है वो 5G वाला पे चूज कर लीजिएगा, या तो 4G 5G ऑटोमेटिक चूज कर लीजिएगा या किसी तरह से 5G वाला ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक 5G पे चूज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका APN है उसे रीसेट करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन कार्नर में देखने को मिलेगा, इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा और रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रीसेट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका यहाँ पे जो एक्सेज और पॉइंट नेम था और APN था वो भी रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद आप सिंपली क्या कीजिएगा कि अपने डिवाइस में बैक आइएगा, बैक आने के बाद आप सिंपली बैक चले जाइएगा, उसके बाद फिर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जो आप गूगल प्ले सिस्टम का अपडेट किए थे उसको यहाँ से रिस्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन देगा, रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, आप वेट कर लीजिएगा। जैसे ही रिस्टार्ट होने के बाद आपका डिवाइस ओपन होगा आपके एरिया में, यदि आपके जियो का नेटवर्क 5G का होगा तो आपको 100% आपको नेटवर्क देखने को मिल जाएगा और आपका डिवाइस में 5G नेटवर्क का प्रॉब्लम 100% इस प्रकार सॉल्व हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।